जैन स्टूडेंट वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। नाउ वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ मेजर्स व्हिच यू शुड टेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिजीज। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। Now, there are four major ways to protect ourselves against the diseases caused by microorganism. Okay, so there are four major ways. Mainly, there are four ways. Now, the first is by taking proper medicine to kill the disease-causing microbes, by killing the carriers of the disease-causing microbes, by preventing the growth of microbes around our house, and by protecting the food from contamination. Now, these are the four major ways by which you can keep yourself free from disease. Okay, so once you are occupied by the disease, or you are attacked by any microorganism, or if you want to prevent yourself, then these measures you should apply for preventing it. Okay, the following suggestion may prove helpful in the prevention of disease caused by microorganism. Okay, now let's these are the four major things that we have just seen ki char tarike jisse ki hum disease ko prevent kar sakte hain by taking proper medicine time se lena, aur jo bhi carriers hote hain disease ke, means jo disease causing microorganism ko carry karte hain unhi ko hum maar de. Okay, because they live in that animal or insects, or by preventing the growth microbes ki हमारे house के पास हम garbage ना इकट्ठा होने दें, house के आसपास पानी को ना इकट्ठा होने दें, and then by protecting our food को covered रखें, food and drinking water, safe drinking water should be used. Now let's discuss the few more suggestions which are helpful in the prevention of disease. Now the first is maintain your personal hygiene by taking bath regularly, daily, wearing clean clothes etc. हमको डेली पर्सनल हाइजीन अपनी मेंटेन करनी, मींस डेली नहाना है, क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं, नेल्स कट होने चाहिए. ओके, सो दीज आर द फ्यू मेजर्स टू कीप योरसेल्फ क्लीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सी द नेक्स्ट वन. कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग एरिया क्लीन. कीप योर डोमेस्टिक गार्बेज इन द गार्बेज बिन विद अ लिड. नाउ नेक्स्ट इज यू शुड कीप योर हाउस, जो भी हमारा घर है और उसके आसपास का एरिया है उसको नीट एंड क्लीन रखना, और जो भी गार्बेज है, जो भी कूड़ा है, दैट शुड बी केप्ट इन अ डस्टबिन. ओके, और लिड होनी चाहिए, ऊपर ढक्कन होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए. एंड इट इज़ ऑल्सो गुड अगर हम जो डस्टबिन है, प्रेफरेबली अगर हम जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको भी अलग करके रखें तो और भी अच्छा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट लेट द गार्बेज, किचन वेस्ट एक्सेट्रा एंड द सीवेज कलेक्ट एंड स्टैग्नेट एट एनी प्लेस. नाउ कोई भी जो गार्बेज या किचन वेस्ट है या इवन सीवेज जो है, जो भी गंदा पानी है नाले का या नाली का, तो उसको कहीं भी स्टैग्नेट नहीं होना है, मींस कहीं भी उसको रुकना नहीं चाहिए. या तो वो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, ओके, कहीं भी स्टिल नहीं होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर कहीं रुक जाता है तो फिर वहाँ पर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाती है. ओके, नाउ गेट योर हाउस इट्स सराउंडिंग एंड द गार्बेज डंप एट्सेट्रा स्प्रेड विद प्रॉपर इंसेक्टिसाइड एट रेगुलर इंटरवल. जो भी गार्बेज है उसको एक प्रॉपरली कहीं एक एरिया में लो लैंड फिल एरिया, या तो कह सकते हैं लो लाइन एरिया, वहाँ पे उसको डंप करना चाहिए. और जो भी हमारा हाउस है उसको रेगुलर स्प्रेइंग होनी चाहिए इंसेक्टिसाइड से, ताकि इंसेक्ट्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके. ओके, देन अंडर योर पर्सनल हाइजीन यू शुड क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, नेल्स शुड बी कट रेगुलरली, ऑलवेज यूज़ क्लीन हाइजीनिक कवर्ड वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड अदर ईटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड केप्ट कवर्ड. ओके, जो फूड और खाने का सामान है उसको जो है कवर्ड होना चाहिए, या फिर प्रॉपरली स्टोर्ड होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री एरिया में होना चाहिए. वॉश ऑल यूटेंसिल्स एंड योर हैंड्स
थरली बिफोर टेकिंग योर मील. यू शुड वॉश द यूटेंसिल, बर्तन और साथ में अपने हाथ भी हमको अच्छे से धोना चाहिए खाना खाने से पहले. वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग. ड्रिंक बॉइल्ड और प्यूरिफाइड वाटर, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत मॉइस्चर रहता है और उस समय ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो एक पीक लेवल पे होती है. ठीक है, तो हमें बॉइल्ड या प्यूरिफाइड वाटर ही यूज़ होना करना चाहिए. नाउ पीपल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, दे शुड ऑल्सो भी आइसोलेटेड. ओके, जो भी अगर इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग सम डिजीज़, तो उसको आइसोलेट होना चाहिए, मीन्स अपने आप को औरों से अलग रखना चाहिए. और जो भी एक्सक्रीटा है या मुंह से बलगम है, दैट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली. ठीक है, वो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए. और चिल्ड्रंस जो हैं, दे शुड बी इम्यूनाइज्ड आल्सो अगेंस्ट ऑल डिजीजेज एट प्रॉपर टाइम, मींस वैक्सीनेशन उनको प्रॉपर होना चाहिए हर डिजीज़ का. ओके, एट पर्टिकुलर टाइम. डू नॉट डेफिकेट एट ओपन एंड लेट अदर्स आल्सो टू डेफिकेट ओपन, मींस हमें ओपन एरिया में स्टूल नहीं पास करना है. ओके, बिकॉज दिस ऑल्सो इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड टेक बैलेंस्ड डाइट एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, दिस इज़ द की टू द हेल्थ. ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी है प्रॉपर एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, बिकॉज दिस ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आर बॉडी नीट एंड क्लीन, मीन्स इंक्रीज आर बॉडी रेजिस्टेंस ऑल्सो, इम्यूनिटी बढ़ाती है. ठीक है, एंड वी विल नॉट बी ईजली सफर्ड बाय एनी डिजीज़. ओके, सो दिस इज़ ऑल अंडर द प्रिवेंशंस ऑफ डिजीज कॉज्ड, प्रिवेंशंस ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस. नाउ नेक्स्ट लेक्चर वील बी डिस्कसिंग अबाउट द फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.